नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करना और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से किस तरह का क्वेश्चन आता है उसके बारे में। तो यदि आप रेलवे, एसएससी, पॉलिटेक्निक किसी भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो उसमें आपको 2 से 3 नंबर का ये फ़ायदेमंद आपको पहुँचा सकता है। और यदि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एकदम ईजी वे में समझ लेते हो तो आपको केमिस्ट्री फिर आसान लगने लगेगी। मतलब केमिस्ट्री पूरा सचपुच हो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड होता है। कितना पीरियड होता है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 ग्रुप, 7 पीरियड। और ये 18 ग्रुप में 2 जो ग्रुप है, पहला और दूसरा, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। और 3 से लेकर 12, तो एस के बाद आता है पी का नंबर, इसीलिए 13 से 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक। और ये बीच में आ गया तो इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। तो एस के बाद पी, यानी वैल्यू किसका होगा? एस और पी का। डी को हम लोग मतलब 12th लेवल तक का एग्ज़ाम लगभग जितना आता है उसमें डी से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। और पॉलिटेक्निक वगैरह में तो डी ब्लॉक से क्वेश्चन ना के बराबर में देता है, लेकिन हम लोग डी ब्लॉक भी सीखेंगे, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। तो पहला दूसरा को बोलते हैं एस ब्लॉक और 13 से 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक। ये कैसे आप बिना देखे लिख सकते हो? तो मैंने जो लिखा है ये मैंने भी बिना पीरियोडिक टेबल देखे लिखा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, चलिए जल्दी से सीखते हैं। तो देखो पहला क्या है, ये आपको डायलॉग ध्यान रखना है। पहला के लिए, हाय लीना करे रब से फरियाद, हाय लीना करे रब से फरियाद, हो जाएगा। क्या है डायलॉग? हाय लीना करे रब से फरियाद, हो गया। मैं फिर से मिटा के लिख के दिखा दूंगा आपको। दूसरा में देखना, ध्यान रखना, यहाँ खाली है ना। उसके बाद यहाँ, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो, बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो, अब बाप क्या हो गया? राजी। क्लियर है? आप अगर नौकरी ले लोगे तो आराम से स्कॉर्पियो मिलेगा, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो। और नौकरी नहीं ले पाओगे तो स्कूटर, बाप राजी, हो जाएगा। चलो अब आते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 13 में, 1, 2 के बाद 13। तो 13 को ही एक तरह से 3 का दर्जा है। मतलब ये पहला जो ग्रुप है सब का वैलेंसी होगा 1, सब एक इलेक्ट्रॉन देगा। और जो देता है आप लोग जानते हो मेटल होता है, और जो लेता है वो नॉन मेटल। तो पहला वाला एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा वाला 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और 13वां वाला 3 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है? वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। तो इसका डायलॉग जल्दी से बताओ, बैगन आलू गाजर इन टीना, बैगन आलू गाजर इन टीना। अब बोलोगे सर हम लोग तो पढ़े थे थैला। तो देखो बाबू, ये NH जो है, देखो ये जो नीचे में जितना ये सब है, ये सब था UUU करके लिखा हुआ, चूँकि अब नाम अच्छे से इसका क्लियर हो गया है। 2019 में नाम क्लियर हो गया है। आप लोगों को किताब में ये सब नहीं होगा, लेकिन अब नेट पे आ गया, या नया पीरियोडिक टेबल अगर खरीदोगे तो उसमें आ गया। तो क्या है डालो? बैगन आलू गाजर इन टीना, NH, हाँ उसे टीना, N आ गया, सीख लो। नेक्स्ट क्या है? काशी, काशी गए शंकर पार्वती फिर से, मतलब दोबारा गए, काशी में उनका घर ही है, काशी गए शंकर पार्वती फिर से। उसके बाद क्या है? नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बी, इससे एम कर लो मार, बीमार, हो जाएगा। नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। हम लोग पहले ऐसे भी करते थे, नाना नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो MC नहीं ना आ पाएगा उसमें, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। हम लोग को याद करना है, आप वैसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड स्टाइल से TPO, कैसा टी? 11TLB। और इसको हम लोग पहले कैसे याद किए हुए थे? ऐसे
ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड, तो एल भी नहीं आता था। या करते थे हम लोग ओ सा से टेपू, एल भी नहीं आता था। लेकिन इससे पहले भी ओल्ड स्टाइल से टी पियो, यहाँ तक हम लोग लास्ट करते थे, लेकिन अब लेवन टी उसमें ऐड कर दो। कैसा टी? तो लेवन टी। नेक्स्ट क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी तसला लेकर, पानी का किल्लत था आंटी को, तो पानी कैसे उलाती थी? तसला से। तो फिर कल बाहर आई आंटी तसला लेकर, क्लियर है? इससे पहले हम लोग इसको बोलते थे फेकल बरियात या फ्यूचर कल ब्राइट, तो टीएस नहीं आ पाता था। तो अब कर लो फिर कल बाहर आए आंटी तसला ले। ग्रुप नंबर 18, हीना नीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन, कौन सा रंग? तो ऑरेंज, क्लियर है? अब देखो जल्दी से रिपीट करते हैं, उसके बाद देखो मिटा के मैं लिख देता हूँ, आप ही आराम से एक दो बार मिटा के खुद से लिखने की कोशिश करो। यदि आप इसको लिख दिए तो एक दो नंबर का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद यदि पूरा इसको समझ लिए अच्छे से गहराई में कि इसका क्या मतलब है, एक ग्रुप में ये है तो क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इससे हम लोगों को केमिस्ट्री में क्या हेल्प मिलेगा, तो सच्चाई ये है कि पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से समझ लिए तो 50% केमिस्ट्री आपका कंप्लीट, मतलब इतना आसान बना देगा आपको। तो जल्दी से रिपीट करते हैं हम लोग। पहला, हाय लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन टीना, काशी गए शंकर पार्वती फिर से, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पीओ कैसा? तो लेवन टी। फिर कल बाहर आई आंटी तसला लेकर, हीना नीना और करीना का जो रॉक्स रंगीन, कैसा रंग? तो ऑरेंज हो जाएगा। तो देखो इसको मैं पूरा मिटा के भी आपको फिर से लिख के सिखाऊंगा। उससे पहले कुछ कुछ और इससे सवाल क्या आता है समझ लो। ये जो ग्रुप नंबर 1 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल। इससे भी सवाल आता है कि बताओ अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, कौन सा ग्रुप को? तो ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो रेलवे में पिछले बार कंफ्यूजन किया, बोला अल्कलाइन मेटल किसको बोलते हैं, अर्थ हटा दिया तो अल्कलाइन मेटल बोल दिया, तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो गया, वो सोचा अल्कली है कि अल्कलाइन, मतलब कंफ्यूज हो गया, अर्थ नहीं है। तो बाबू बदमाशी करेगा एग्जाम में ना, पॉलिटेक्निक एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, उन लोग क्या चाहता है कि आप गलत करो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो अल्कलाइन मेटल बोले, अर्थ मेटल बोले, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोले, ग्रुप नंबर 2 ही करेंगे। तो देख लो अंतर, अल्कली और अल्कलाइन दोनों में अच्छा सा अंतर समझ लो। तो पहला दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें से 2 का नाम है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्वेश्चन आता है ग्रुप नंबर 17, इसको बोलते हैं हम लोग हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हैलोजन ग्रुप, मतलब नमक बनाने वाला ग्रुप। हम लोग का नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl, देखो है ना क्लोरीन, हम लोग नमक में आयोडीन पाया जाता है ना, तो ये जो ग्रुप नंबर 17 है नमक बनाने वाला ग्रुप है। बात करो ग्रुप नंबर 18 का, तो ग्रुप नंबर 18 हीना नीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन, हेलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जनॉन रेडॉन ऑग्नेशन नया नाम आया, तो ये सब जो है इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप, मतलब इसका बैलेंसी कितना होता है? जीरो। इसको हम लोग बोलेगा कि बताइए नोबल गैस को कौन सा ग्रुप के नाम से जाना जाता है, तो जीरो ग्रुप के नाम से भी ऑप्शन रहेगा। इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस, नोबल गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। इन लोग कभी रिएक्शन नहीं करता है, मतलब बल्ब का फिलामेंट में डालना है तो नोबल गैस डाल सकते हो, चिप्स में डालना नोबल गैस डाल सकते हो, ऐसे चिप्स में मेनली हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं, लेकिन आप डाल सकते हो, क्लियर है? तो चलिए और क्या क्या से क्वेश्चन इससे आते हैं वो समझो। सवाल आता है बताओ कौन सा पीरियड में सबसे कम एलिमेंट है, पीरियड पूछा ग्रुप नहीं, तो सबसे कम किस में होगा?
तो पहला में देखो दो गो हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा में कितना तो आठ, देखो दो और छः आठ, देखो ऐसे कर सकते हो दो आठ आठ, रिपीट करना दो आठ आठ, फिर करना अठारह अठारह दो दो बार, फिर करना बत्तीस बत्तीस, क्या याद करना दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस, पहला में दो दूसरा में आठ, दूसरा पीरियड में तीसरा में भी आठ और चौथा में अठारह, पाँचवा में अठारह, छठा में बत्तीस, सातवां में बत्तीस, टोटल जोड़ोगे तो 118 आ जाएगा। तो अभी तक कितने एलिमेंट का खोज हुआ 118। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो रहा 18 को जब ग्रुपे है तो 32 को कैसे हो जाएगा, एक ग्रुप में पाँचवा छठा में 32 कैसे हो जाएगा। तो देखो बाबू ये तो खाली है, ये भी खाली है, लेकिन कैल्शियम के बाद स्टार्ट है 10 पीस, कितना पीस 3 से लेकर 12, और इसका डायलॉग भी है स्कूटी वैन कार में फेंकू नींबू कूड़ा जूता, हो गया 30 तक, फिर 31 32 33 34 35 36 हो गया, फिर यहाँ भी है यारी जरा निभाना मौत तक। तो डी ब्लॉक के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ। तो देखो तो बाबू ये तो 10 को है ना, तो 18 ही हो सकता है, तो 32 कैसे हो गया, तो 32 इसीलिए हो गया कि यहाँ पर दो गो ग्रुप है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। देखो आधार कार्ड जब शुरू शुरू में बन रहा था 2010 का मैं बात बता रहा हूँ, तो 2010 में मैं आधार कार्ड बनाने मैं भी गया, तो वहाँ पर जो सरकारी काउंटर था वो एक बार में 60 आदमी का ही आधार कार्ड बनाता था, तो इसीलिए वहाँ ऑफिस तो खुलता था 10 बजे लेकिन आदमी लोग जो बनाना चाहते थे आधार कार्ड वो पहुँच जाते थे 6 बजे सुबह से। तो मैं क्या किया, मैं एक दिन 9 बजे गया, मेरा छोटा भाई जो अभी लोको पायलट है पॉलिटेक्निक करने के बाद रेलवे ड्राइवर है, वो क्या किया था 7 बजे गया था, तो उसको किसी तरह नंबर मिल गया, उसको आधार कार्ड अप्लाई हो गया, फ्री में बनता था। मैं 9 बजे गया तो मैं देखा कि मात्र 10 आदमी मुश्किल से है, तो मैं पूरा खुश हो गया कि लो मैं 9 बजे गया फिर भी 10 आदमी है, यानी 11वां नंबर में मैं हूँ, मेरा आराम से आधार कार्ड बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही काउंटर खुला तो वो 10 आदमी क्या किए थे, एक आदमी पांच पांच आदमी, कोई 10 आदमी, कोई 7 आदमी का कागज लिए हुए थे, मतलब अपना पूरा खानदान का वो जेरोक्स लिए हुए थे और नंबर लगा लिए थे अकेले। तो कुल मिला के यहाँ पर भी वही बात है, ये स्टोरी से फायदा यही है कि लेंथेनॉइड यहाँ है अकेले, लेकिन अपने साथ कितना को लिए हुए है 14 को लिए हुए है। तो अब एक बात बताओ ये यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा फूल रहेगा तो कितना होगा 18, और उसके साथ के पीस है तो 14, तो 18 14 कितना हो गया 32, तो लेंथेनॉइड 14 पीस और एक्टिनॉइड भी 14 पीस, तो 18 14 कितना हो गया 32, क्लियर है। इसीलिए पांचवा और छठा दोनों में कितना एलिमेंट होता है 32 32, तो पहला में दो दूसरा में आठ तीसरा में आठ चौथा में 18 एलिमेंट पांचवा में 18 छठा में 32 सातवां में 32। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है पहला पीरियड में कितना तो दो हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा में तो आठ तीसरा में आठ चौथा में 18 पांचवा में 18 छठा में 32 और सातवां में 32, क्लियर है। उसके बाद इससे और भी बहुत सारे सवाल रहते हैं लेकिन ये वीडियो में मैं इतना ही छोड़ता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये आप बना के दिखाइए, आप बनाए नहीं, तो चलो जल्दी से मैं इसको मिटा कर आपको बना के दिखा देता हूँ, तुरंत मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। चलो आराम से हम लोग बना लेंगे तुरंत, देखो कैसे। पहला का डायलॉग हम लोग क्या याद किए थे, हाय लीना करे रब से फरियाद, हाय लीना करे रब से फरियाद, हो गया। दूसरा क्या डायलॉग था, यहाँ खाली था, यहाँ था बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी, हो गया। उसके बाद 13 से यहाँ डायलॉग ध्यान रख लो, यहाँ खाली है, यहाँ था हीलियम, हाँ
तो देखो यहाँ डायलॉग है BCN ऑफ करो, BCN ऑफ करो, उसके बाद क्या था नीना, यहाँ डालो कर लो BCN ऑफ कर लो। अब यहाँ लंबे लंबे घींच दो वर्टिकली, बैगन आलू गाजर इन टीना हो गया, बैगन आलू गाजर इन टीना। उसके बाद क्या काशी गए शंकर पार्वती फिर से, काशी गए शंकर पार्वती फिर से। उसके बाद बना दो नाना पाटेकर अश्वर्या सब बी मार हो गया। नेक्स्ट ओल्ड स्टाइल से क्या पीना है, टी पीना है, कैसा टी, तो लेमन टी। उसके बाद बता दो फिर कल बाहर आई आंटी क्या ची लेकर, तसला लेकर। उसके बाद क्या है हीना नीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन, कौन सा रंग ऑरेंज। देखो कितना आसानी से बन गया, क्लियर है। नाम बता दो पहला का अल्कली मेटल, दूसरा का अल्कलाइन अर्थ मेटल, 17 हेलोजन ग्रुप, 18 नोबल गैस। लेकिन अगर बोलेगा सर इसका कौन सा ग्रुप, तो बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कौन ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल नॉन मेटल सेमीकंडक्टर मेटलॉइड सब पाया जाता है, तो ग्रुप नंबर 14। देखो कार्बन को हम लोग मेनली नॉन मेटल बोलते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, SnPb लीड और टिन मेटल है, और Fe नया नाम आया है चूंकि ये भी मेटल ही है क्योंकि ऊपर से नीचे जाते में मेटल बनते जाता है, तो ये जब मेटल ये मेटल तो ये भी मेटल होगा, तो ये ही ऐसा ग्रुप है ग्रुप नंबर 14 जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों पाया जाता है, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डी ब्लॉक के बारे में भी, और उसके बाद ये पूरा का प्रॉफिट क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा देखो क्या है, लिथियम का बैलेंसी एक है तो सोडियम का बैलेंसी एक है, पोटेशियम बैलेंसी एक है, क्लियर। फायदा देख लो एक और, अगर आप एक फार्मूला याद किए Na और इसका क्या Cl NaCl सोडियम क्लोराइड, तो अगर आपको कोई पोटेशियम क्लोराइड पूछे तो Na के नीचे है ना के, तो Na हटा के खाली के कर दो पोटेशियम क्लोराइड आराम से, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, क्लियर है। लेकिन अगर मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड का करोगे तो क्या बनता है MgCl2। अभी Cl2 क्यों हुआ ये हम बाद में बात करेंगे, नया वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझो ग्रुप से फ़ायदा क्या है, MgCl2 याद कर लिए। तो तुमसे कोई कैल्शियम क्लोराइड पूछे तो तुम मैग्नीशियम को हटा के खाली कर दो CaCl2, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेरिलियम क्लोराइड तो लिख दो BeCl2, एक याद है तो सब अपने आप छपा जाएगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या है MgO, और यहाँ वाला क्या है O। तो अगर कोई तुमको कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो क्या बोलो CaO, किसी को तो बोलते हैं चूना पत्थर। अगर कोई तुमसे पूछे स्ट्रोंटियम ऑक्साइड तो लिख दो SrO, क्लियर है। मतलब एक ग्रुप का है तो सेम टाइप का ही रिएक्शन करेगा, क्लियर है। मतलब ये बनाया NaCl तो ये बनाएगा KCl, ये बनाएगा LiCl, ये बनाएगा HCl, ये भी प्रॉफिट है पीरियोडिक टेबल याद रखने से। लेकिन अब ये NaCl और ये MgCl2 क्यों हुआ ये हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छे से, क्लियर है। थैंक यू।